डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। तो चलिए डॉक्टर साहब से सबसे पहला सवाल करते हैं कि पेन किलर लेना सेहत के लिए कितना सही है? क्या हमारे किचन में भी कुछ पेन किलर मौजूद है? जी बिल्कुल, बहुत पेन किलर्स हैं। और पेन किलर्स आपको मालूम है कि अगर आप छोटे से दर्द के लिए भी पेन किलर ले लेते हैं तुरंत, बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है आजकल। मैंने देखा है लोग थोड़ा सा दर्द हुआ, कोई गोली खा ली, दर्द के लिए पेन किलर्स। आपके शरीर में कई दुष्प्रभाव उसके होते हैं, शायद आपको उसका बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। पेट के ऊपर सबसे पहले असर डालते हैं, आपके जो पाचन पर बहुत असर डालते हैं, आपको पेट में जलन होती है, कब्ज हो जाती है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप पेन किलर लेते रहते हैं तो बहुत उसके गंभीर परिणाम भी कई बार देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि आपके लिवर पर असर उसका आता है, किडनी में भी खराबी आ सकती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले आपको जब भी कोई दर्द होता है तो आप अपने किचन में देखें, कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें के वास्तव में आज मॉडर्न साइंस द्वारा भी वो प्रूव कर दिया गया है कि उनमें कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो दर्द को नष्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे किचन के अंदर ही चीजें हैं जो आप कहें, मान लो जैसे सौंठ है। सौंठ का प्रयोग हमने पहले भी कई बार बताया कि सौंठ का सेवन अगर आप करें तो उससे जोड़ों के दर्द में आपको फायदा मिलता है। या आपके गले में दर्द हो ज्यादा, आपको गले में अगर पेन हो रहा है कुछ, तो कई बार आप थोड़ा सा नमक लेकर के गर्म पानी में घोल के उससे गरारे कर लेते हैं या थोड़ी सेकाई कर लेते हैं, उससे आपका दर्द गायब हो जाता है। सिर में दर्द आपको हो तो उसमें आपने देखा होगा कई बार हम बताते हैं आपको कि थोड़ा सा कोई बादाम का तेल लेकर के जेंटल मसाज कर लीजिए, उससे आपको रिलीफ मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको थोड़ा सा अगर आप कोशिश करें प्रयोग करने का तो आपको दर्द भी नष्ट होगा और आपको पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अननेसेसरीली आपको ऐसी हैवी चीजें जो कि हमारे शरीर में थोड़ा नुकसान करती हैं उनको नहीं लेना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, मिथुन है अरुणाचल से। जी मिथुन, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। जी मेरी उम्र अभी 28 वर्ष है जी, और मुझे बाएं पैर में कॉर्न नाम की बीमारी हुई है पिछले 15 दिनों से। अच्छा जी। जी उसको इलाज कराया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला अभी भी। देखिए अभी 15 दिन पुरानी बीमारी है आपकी, तो कॉर्न जो है वो हार्ड हो जाती है स्किन आपकी, तो उसमें सबसे पहले उसको सॉफ्ट करने के लिए दो चीजें जरूर करिए, क्योंकि अभी नई नई बीमारी है, 15 दिन पुरानी बीमारी है, तो इसको थोड़ा सा यहीं पर दबाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत पुरानी होने पर फिर कई बार मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर आपको कहेंगे इसको काट करके निकालना पड़ेगा। तो गर्म पानी में रखिए उसको, सॉफ्ट हो गई, उसके बाद तेल की मालिश करिए। लहसुन थोड़ा सा ले लीजिए, लहसुन को कूट करके थोड़ा उसको पेस्ट बना करके लहसुन और हल्दी दोनों को मिला करके वहाँ बांध लीजिए, रात भर बंधा रहे, तो उससे भी आपको थोड़ा सा उसमें सॉफ्टनेस आएगी और वो जो त्वचा जो हार्ड हो गई है वो आपकी ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि है शाहदरा से। जी रवि, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाय डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। डॉक्टर साहब मेरे ऐसा कोई ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं है, पर कुछ समय से मेरे जो बाल सफेद काफी होने लगे हैं। अच्छा। करीब, और अभी ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब दाढ़ी के बाल भी डॉक्टर साहब सफेद होने लगे हैं। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये या तो रुक जाए, मतलब अभी से इतनी कम उम्र में, अभी मेरा 32 एज है मतलब मेरी जी, तो ये दाढ़ी के बालों के लिए नहीं, मतलब... देखिए रुकेंगे तब जब आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी बीमारी आती है तो उसका एक आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए कि मुझे बीमारी हुई क्यों। जैसा आपने कहा कि अभी उम्र आपकी उतनी नहीं है, एक तो उम्र की वजह से होते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि अभी उम्र हो गई है, अभी बाल पकने शुरू हो गए, लेकिन उम्र नहीं है तो फिर क्यों सफेद हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपके खान पान में कोई कमजोरी हो सकती है, कोई कमी हो सकती है, या आपके लाइफस्टाइल में हो सकती है। लाइफस्टाइल में आपने बताया कि टेंशन आपको नहीं है, स्ट्रेस नहीं है किसी प्रकार का, तो डेफिनेटली फिर आपको भोजन में थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए, देख रेख करनी चाहिए। हम आयुर्वेद में ऐसा मानते हैं कि बाल या दाढ़ी के बाल या सिर के बाल तभी सफेद होते हैं जब हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी हमारे शरीर में अगर हो जाती है। तो उसके लिए क्या है गर्म चीजें, जो चीजें हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाती हैं, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, नॉनवेज, तम्बाकू, अल्कोहल, इस प्रकार के जितने भी गर्म तासीर वाले भोजन हैं उनको बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए, नहीं तो और जल्दी से स्पीड से आपके बाल सफेद होंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा उनको रोकना। रोकने का प्रयास जरूर करना, साथ में आयुर्वेदिक उपचार बहुत अच्छे हैं, कई ऐसी औषधियां हम लोग भी बनाते हैं, बालों के लिए भी बनाते हैं, और साथ में पित्त को शमन करने के लिए, जो कि मैं हमेशा आपको जैसा बताता हूँ
कि डॉक्टर से परामर्श करके जरूर लें। बालों में तेल जरूर लगाएं, बहुत जरूरी होता है कि सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन अच्छी ऑयलिंग होनी चाहिए बालों की। अगर तेल नहीं लगाएंगे तो भी बाल आपके सूखने लगेंगे, वो ड्राई होने लगेंगे और उनमें सफेदी भी आने लगेगी। आजकल तेल लगाने का भी प्रचलन नहीं है, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि तेल बिल्कुल नहीं लगाते हैं, बालों को ड्राई रखते हैं, तो उसका भी आपको जरूर ध्यान रखना है। खाने पीने में कूलिंग चीजें लीजिए, आंवला बहुत अच्छा रहता है, आंवले का सेवन अगर आप करेंगे रेगुलरली उससे भी फर्क पड़ेगा। और आंवले का पेस्ट बना लीजिए, किसी लोहे के बर्तन में भिगो के आंवले के पाउडर को उसका पेस्ट बनाइए और उसको लेप करिए आप बालों में, दाढ़ी में, जहां भी सफेदी आ रही है, तो एक नेचुरल डाई का काम भी ये करता है। क्योंकि लोहे के बर्तन में जब हम आंवले को भिगोते हैं तो वो काला हो जाता है, उसका कलर रंग जो है काला हो जाता है, उसको आप एज ए नेचुरल डाई या नेचुरल कलर के रूप में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं किचन में मौजूद पेन किलर की। तो डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो कारगर पेन किलर होती हैं, मतलब किसी भी दर्द में काम आ जाती है? बहुत अच्छी चीजें हैं। लौंग आपके किचन में होता है, सभी के किचन में लौंग होगा। कभी भी आपको अगर दांत में दर्द है या मसूड़ों में कुछ खराबी है, आपने देखा होगा डॉक्टर लोग भी आपको लौंग के तेल लगाने के लिए बताते हैं, तो लौंग का तेल तो घर में नहीं होता लेकिन लौंग सभी के घर में होती है, तो उसको आप थोड़ा सा दांत के पास रखें, चबाएं, उसका जो रस निकलेगा उसके अंदर तेल होगा, वो जब लगेगा वहां पर तो आपको पेन में तुरंत रिलीफ मिलेगा। आप करके देखिए, बहुत अच्छा और इफेक्टिव कारगर नुस्खा है। इसके अतिरिक्त अदरक आपके घर में होती है, जनरली सभी के घर में नहीं तो इजीली अवेलेबल होती है। आपको कहीं भी मांसपेशियों में अकड़ाहट है, आपकी मसल्स में स्टिफनेस है, जोड़ों में आपको जो है कुछ दर्द है, तो अदरक का सेवन आपको करना चाहिए। अदरक नहीं है तो सौंठ का पाउडर आपके घर में होगा, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अदरक को भी आप कैसे प्रयोग करेंगे, आप उसको या तो ताजी अदरक को छोटा छोटा सा काट करके 1 चम्मच अदरक लें, उसको आप थोड़ा सा गुनगुने पानी में या तो हल्का सा बॉयल कर लीजिए और वो पानी के साथ ही उसको पी लीजिए, या सौंठ का पाउडर ले लीजिए 1 चम्मच, छोटी चम्मच जो होती है उसको गुनगुने पानी में मिला करके आप पी लीजिए, तो वो दर्द में आपको रिलीफ देती है। तीसरी चीज जो सभी के घर में आमतौर पर होती है, लहसुन है। अगर आपको कान में दर्द हो जाता है कभी भी, तो कान में दर्द के लिए लहसुन में बड़े अच्छे जो है ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कान के दर्द को ठीक करते हैं। उसका प्रयोग की विधि है कि लहसुन छोटा छोटा सा काट लीजिए, 2-3 कली उसके लेके 50 मिलीलीटर तेल के अंदर तिल का तेल या सरसों का तेल जो भी आपके घर में, उसको पका लीजिए, तो ये लहसुन वाला तेल आपका बन गया। इस तेल को ठंडा होने पर उसको कान में डालने से आपको जो है कान का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये पेन किलर्स 3 आपने पूछे, 3 मैंने आपको बताए जो आपके घर में बिल्कुल मौजूद होते हैं, कभी भी आप इनको प्रयोग करिए तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, इससे बहुत आराम मिलेगा। चलिए डॉक्टर साहब, आपको बताएं क्या है आज की संजीवनी, लेकिन उससे पहले हम एक कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं कानपुर से। जी राजीव, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार जी, मैं कानपुर से राजीव बात कर रहा हूँ। जी मेरे को बाल झड़ने की समस्या है, मेरे बाल काफी दिनों से झड़ रहे हैं जी, सफेद हो जाते हैं या फिर झड़ जाते हैं। बाल सफेद भी हो रहे हैं और झड़ भी रहे हैं जी। हाँ जी, काफी समय से। देखिए, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक बताता हूँ कि एक नुस्खा आप घर पे बना सकते हैं। आंवले का पाउडर ले लीजिए, साथ में भृंगराज का आपको मिल जाती है, जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी वाले से मिलेगी, भृंगराज सूखा मिलेगा उसका पाउडर बनाइए, और काले तिल भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। तीनों का मिक्सचर बना लीजिए और इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच सुबह शाम आपको सेवन करना है। बहुत अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा सा आयुर्वेदिक तेल, आयुर्वेदिक टॉनिक हमारे यहाँ जीवा में कई प्रकार के मिलते हैं, फोन करके आप मंगाएं, उनसे भी आपके बालों को जो है अच्छी जो है उसमें पोषण भी मिलेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा, बाल आपके जो है मजबूत भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। और इंटरनली पित्त वाली चीजें मत खाइए, बहुत ज्यादा गर्म चीजें बिल्कुल मत खाइए, जिससे कि आपके बाल जो है वो गिरते भी हैं और उससे बाल आपके सफेद भी होते हैं, तो आप जो है थोड़ा सा कूलिंग चीजों का प्रयोग ज्यादा कीजिए। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील है हिमाचल से। जी सुनील, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी नमस्कार सर, मेरी उम्र 26 साल है और मेरी जो जगह जगह पे गांठे जैसी हो रही हैं शरीर में। अच्छा। का जांच भी करवाई तो डॉक्टरों ने, मेरा FNAC करके टेस्ट होता है कोई, जी जी, तो उन्होंने जांच किया तो उन्होंने बताया कि लाइपोमा की गांठे हैं।
आई वो, और मेरा थोड़ा पेट भी अपसेट सा ही रहता है, कुछ खाता हूँ तो जल्दी मेरे को जाना पड़ता है, और मेरे को सबसे ज्यादा चिंता पेट की। चलो मैं मानता हूँ पेट नहीं ठीक हो रहा है, लेकिन एक गांठे जो आ रही है इससे लेके मैं ज्यादा चिंतित हूँ। वो देखने में भी अजीब लगती है, थोड़ी बड़ी बड़ी है, कोई दर्द नहीं है उनमें, बस ऐसे ही गांठे बनी हुई है। देखिए आयुर्वेद में तो हम इसको पेट से ही जोड़ते हैं, जब पेट आपका ठीक नहीं रहता है तो आम बनता है, आम यानी कि एक चिकनाहट होती है, म्यूकस टाइप का एक मटेरियल है जो बॉडी में जाकर के सर्कुलेट करता है, और जगह जगह जाके वो जब जमेगा तो एक तरह की वो गांठ बना देता है, वो जिसको के फैट की गांठे, लाइपोमा भी इसको बोल देते हैं। गांठे डेफिनेटली बुरी लगती है देखने में, लेकिन कुछ ऐसा उसमें कुछ खतरा नहीं होता, क्योंकि कैंसर वगैरह की गांठें नहीं है, खतरनाक गांठें नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये राय देना चाहूंगा कि सबसे पहले पेट को ठीक करिए आप। गांठों की दवाइयां भी आयुर्वेद में देते हैं, ग्रंथियों को नष्ट करने के लिए दवाइयां होती हैं, लेकिन पेट को ठीक करना जरूरी है, नहीं तो और ज्यादा गांठें आपकी बन सकती हैं और कोई प्रॉब्लम्स आपके शरीर में आ सकती हैं। तो पेट को ठीक करने के लिए आपको आयुर्वेदिक औषधि लेनी चाहिए। अभी फिलहाल के लिए पेट के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसमें लवण भास्कर चूर्ण बड़ा सिंपल है, इजीली अवेलेबल है, उसको तो शुरू कर दीजिए, जिससे आपका पाचन थोड़ा सा इम्प्रूव होने लगे। फिर आयुर्वेदिक दवाइयां आपको लेनी पड़ेंगी, आयुर्वेदिक औषधि जरूर लीजिए। और जहां तक गांठों की बात है, इसमें लंबे समय तक कुछ उपचार करना पड़ता है, पहले शोधन क्रिया हम करते हैं, उसके पश्चात कुछ ऐसी टेबलेट्स हैं आयुर्वेद में जो ग्रंथियों को गांठों को गलाने के लिए दी जाती हैं, लिखा हुआ है हमारे चिकित्सा शास्त्र में बाकायदा, उसका प्रयोग लिखा है और उसका जो है पूरा लिखा है कि किस प्रकार से कार्य शरीर में करती है। तो वो औषधियां आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करके जरूर ट्राई करिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार लोग जो है 2-3 महीने दवाई खा के फिर छोड़ देते हैं उसको। गांठों में कम से कम 6-8 महीने 1 साल जरूर आपको दवाइयां खानी चाहिए, और अगर फर्क दिख रहा है तो 2-3-4 साल भी आपको खानी पड़े तो जरूर खाइए। अगर आपको दिख रहा है कि कुछ गांठें कम हो रही हैं, 1-2 गांठें गायब हो गई हैं, तो फिर कंटिन्यूसली उसका सेवन जरूर करिए, क्योंकि इट टेक्स टाइम, लंबा टाइम लगता है, ऐसे एकदम से जादू नहीं है कि एकदम से सब चीजें साफ हो जाएंगी। और उससे पहले मैं तो बल्कि आपको कहूंगा, हालांकि आपकी चिंता गांठें हैं, मैं आपको कहूंगा उससे पहले पेट को आप ठीक करिए। पेट तो बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेट ठीक हो जाएगा तो और बीमारियां आपको नहीं आएंगी। सर चलिए अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे किचन में मौजूद वो पेन किलर जो सुलझा देगी आपकी सेहत की गुत्थी। जी डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए किचन में अभी मैंने बताया कुछ चीजें होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें, अगर आपको जोड़ों में दर्द है, खास तौर पर जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिवात हो जाता है, तो मेथी का प्रयोग आप करें। मेथी 1 चम्मच रात को पानी में भिगोएं, सुबह उसको चबा करके आप खाएं, तो उससे आपको रिलीफ मिलता है। हल्दी बहुत अच्छा है, हल्दी अपने आप में एक जैसा कि एंटीसेप्टिक भी है, शोथर भी है, स्वेलिंग को भी कम करता है, खासतौर पर अगर कहीं आपको सूजन आ गई है और वहाँ दर्द भी हो रहा है तो उसके लिए हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हैं। 2 प्रकार से करते हैं, हल्दी को दूध में मिला के पिया जाए तो उससे दर्द भी कम होगा और जो सूजन भी कम होगी, और अगर कोई चोट भी अंदरूनी चोट लगी है उसमें भी लाभ होगा। और हल्दी का गुड़ में मिला करके लेप भी वहाँ किया जा सकता है, तो वो भी दर्द को नष्ट करेगी। अजवाइन एक बहुत अच्छी चीज है, अजवाइन आपने देखा होगा कभी पेट में अगर दर्द होता है बहुत तेज तो अजवाइन का सेवन करते हैं, खास तौर पर जो महिलाएं हैं मासिक धर्म के समय, उन्हें मेंस्ट्रुएशन यानी कि जब उनको पीरियड्स आ रहे होते हैं, अगर बहुत ज्यादा पेन होता है तो उस समय अजवाइन अगर आप 1/2 चम्मच या 1 चम्मच गुनगुने पानी से लें, या अजवाइन को उबाल करके अच्छी तरह से पानी में उबाल करके काढ़ा बना लें और उसको आप पिए गरम गरम, थोड़ा सा उसमें हींग भी मिलाएंगे तो बहुत फायदा, हींग भी आपके घर में होता है, वो भी पेन किलर का काम करता है, तो वो भी आप सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काफी सारी चीजें हैं आपके किचन में जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तेल आप अगर लें, तिल का तेल, सरसों का तेल, उसमें लहसुन और अदरक पका करके आप एक तेल बना सकते हैं, उसको जोड़ों में लगाएं, मालिश करें, कमर दर्द हो आपको, गर्दन में दर्द हो उसकी मालिश करके उसको भी आप एज ए पेन किलर प्रयोग कर सकते हैं।